हेलो फ्रेंड्स टुडे इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द सॉलिड लुब्रिकेंट्स, ठोस स्नेहक क्या होते हैं और उन्हें कहाँ काम में लिया जाता है आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे सॉलिड लुब्रिकेंट्स आर यूज्ड वेयर व्हेन द ऑपरेटिंग टेम्परेचर और लोड इज टू हाई जहाँ पर टेम्परेचर जो है अपने दो सर्फेसिस के बीच में एक्सट्रीमली हाई हो जाता है तो इस तरीके का लुब्रिकेंट काम में लिया जाता है जो वहाँ पर आसानी से बना रह सकता है और वहाँ पर जो है सॉलिड लुब्रिकेंट जो है वो अच्छी तरीके से लुब्रिकेशन का वर्क कर पाता है तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ अत्यधिक तापमान और लोड भी बहुत अत्यधिक होता है वहाँ पर हम लुब्रिकेशन के लिए सॉलिड लुब्रिकेंट को काम में लेते हैं

लुब्रिकेटिंग फिल्म बना के एक तरीके से फॉर्म करना बनाना और साथ में उसको मेंटेन करने की जो बात आती है वहाँ पर केवल इस तरीके की जो ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं जैसे एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर है लोड लोड भी बहुत अत्यधिक है तो वहां पर सॉलिड लुब्रिकेंट जो है वो एक फिल्म के रूप में ही वहाँ मेंटेन कर रहता है जबकि सेमी सॉलिड और लिक्विड लुब्रिकेंट वहाँ पर इस तरह का कार्य नहीं कर पाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इन मशीन में जहाँ पर लिक्विड और सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट काम नहीं कर पाते हैं वहां पर सॉलिड जो है वो अच्छी तरीके से वर्क कर सकता है कंटेमिनेशन ऑफ लुब्रिकेंट इज अनएक्सेप्टेबल तो लुब्रिकेंट का जो संदूषण हो जाता है किसके द्वारा डस्ट पार्टिकल्स और मॉइस्चर कंटेंट्स का वो भी यहाँ पे अनएक्सेप्टेबल होता है तो वहां पर हम सॉलिड लुब्रिकेंट को काम में लेते हैं वेन कंबस्टेबल इन लुब्रिकेंट्स आर टू बी अवॉइडेड जहाँ जलने योग्य जो लुब्रिकेंट जो आग पकड़ लेते हैं धहन हो जाता है जिनका उस तरीके की, की लुब्रिकेंट जहाँ पर होते हैं वहां पर हमें इस तरह के कौन से लेने पड़ते हैं सॉलिड लुब्रिकेंट जो है वो वहां पर अच्छी तरीके से कार्य कर सकते हैं तो हम इस तरह से सॉलिड लुब्रिकेंट जो है वो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर और लोड की कंडीशंस में अच्छी तरीके से वर्क कर सकते हैं और जहाँ पर लिक्विड और सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट जो हैं वो काम में करना फेल हो जाते हैं वहाँ पर सॉलिड जो है वो अच्छी तरीके से वर्क कर पाता है तो सेमी सॉलिड की वजह इसमें हम सॉलिड लुब्रिकेंट जो हैं वो एक मेंटेन कर लेते हैं लुब्रिकेटिंग फिल्म और अच्छी तरीके से वर्क कर पाते हैं अब इनको किस तरह से किस फॉर्म में काम में लेते हैं सॉलिड लुब्रिकेंट जो है वो किस तरह से किस फॉर्म में काम करता है सॉलिड लुब्रिकेंट आर यूज आइदर इन द पाउडर फॉर्म और मिक्स विदर और ऑयल टू फॉर्म अ पेस्ट तो जनरली हम सॉलिड लुब्रिकेंट को पाउडर फॉर्म में काम में लेते हैं और इनको कई बार पानी और तेल के साथ मिलाकर इसका पेस्ट बनाकर भी हम इनको काम में ले सकते हैं द लुब्रिकेटिंग एक्शन ऑफ सॉलिड लुब्रिकेंट इज ड्यू टू देयर लेअर्ड स्ट्रक्चर इसके अंदर लेयर की तरह से अलग अलग लेयर्स में स्ट्रक्चर्स बना हुआ होता है ये बहुत चिकने होते हैं तो इस तरह से ये जो अत्यधिक ताप और लोड की अवस्था में वो आसानी से वहाँ पर बने रहते हैं और उसको श्रे जाता है इसकी जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है उसके कारण वो वहाँ पर आराम से लुब्रिकेटिंग फिल्म बनाकर कार्य करता रहता है द कॉमनली एंड वाइडली यूज लुब्रिकेन्ट्स आर ग्रेफाइड एंड मोलिबिटनम डाइसल्फाइड जो जनरली हम सॉलिड लुब्रिकेंट काम में लेते हैं वो ग्रेफाइट है और साथ में मोलिबिडनम डाइसल्फाइड है और साथ में कुछ दूसरे और भी एग्जाम्पल जैसे हम ले सकते हैं सॉलिड लुब्रिकेंट के जैसे माइका है टेफलॉन है चौक है ये भी काम में लिए जाते हैं एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट व्हेन ग्रेफाइट इज डिस्पर्ड इन ऑयल जब ग्रेफाइट को पाउडर फॉर्म में हम ऑयल के साथ में मिक्सअप कर देते हैं इट इज़ नोन एज ऑयल डैग एंड वेन इट इज डिस्पर्ड इन वॉटर और जब हम उस ग्रेफाइड के पाउडर को हम वॉटर में डिस्पर्स कर देते हैं मिक्सअप कर देते हैं दैन इट इज नोन एज एक्वाडेक जब इसे हम एकवाडेक कहते हैं पानी के साथ जब पेस्ट बन जाता है द सॉलिड लुब्रिकेंट इफ नॉट मैन्युफैक्चर प्रॉपरली सम टाइम कंटेन ग्रेन पार्टिकल्स अगर कई बार ये होता है कि सॉलिड लुब्रिकेंट्स जो हैं वो अच्छी तरीके से इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपरली नहीं होती उसकी रिफाइनिंग प्रॉपरली नहीं होती है तो उसमें बड़े बड़े ग्रेन पार्टिकल्स भी रह जाते हैं विच में डैमेज डेलिकेट पार्ट और सरफेस ऑफ मशीनरी अगर उसमें ग्रेन पार्टिकल्स रह गए हैं, थोड़े बड़े पार्टिकल्स रह गए हैं तो वो जो हैं वो डेलिकेट पार्ट होता है सरफेस का या फिर आ, कुछ भी जैसे हम कह सकते हैं सरफेस की एरिया है उसको भी वो मशीन के नुकसान पहुंचा सकता है टीयर एंड वियर हो सकता है तो हैंस इट शुड बी चेक्ड केयरफुल्ली uh, फॉर fineness इसलिए इसका जो पाउडर फॉर्म हम काम में ले रहे हैं वो बिल्कुल फाइन होना चाहिए बिल्कुल अच्छा होना चाहिए नहीं तो अगर कुछ भी पार्टिकल्स उसमें रह जाते हैं तो वो सरफेस को डैमेज कर सकते हैं मशीन के और वो टीयर एंड बियर की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सॉलिड लुब्रिकेंट को हम आराम से काम में ले सकते हैं सबसे बढ़िया तरीके से हर टेम्परेचर पर यह काम में आ सकता है जहां पर लिक्विड और सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट काम करने में फेल हो जाते हैं वहाँ पर सॉलिड जो है वो अच्छी तरीके से वर्क कर सकता है थैंक यू